गर्भवती महिला को गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गर्भवती महिला को नित्य कथा सुननी चाहिए, गर्भवती महिला को यज्ञ में आहुति डालकर भोजन करना चाहिए, जिससे बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा ऋषि मुनि, रिसर्च करने वाला, एक ऐसा विज्ञान बनाने वाला पैदा होवे जिसके बारे में देश में, विश्व में कल्पना भी ना किसी को हो। यज्ञ करने वाली महिला के बच्चे सच में ऐसे होते हैं जो नासा से भी ऊपर कोई वैज्ञानिक शाला होगी वहाँ पहुँच के काम करेंगे, क्योंकि यज्ञ से बुद्धि प्रखर होती है, यज्ञ से प्रकाश होता है बुद्धि में, यज्ञ ब्रह्मांड का जीवन है, यज्ञ ऋषियों की आहुति है, ऋषियों का वरदान है। आज पूरी कथा में बच्चे ही बच्चे पैदा होंगे महाराज, एक से एक महान। सात महीने महारानी कयाधु नारद जी के यहां रही, बच्चा सतमा सा हो गया, नारद जी ने मंत्र दे दिया। तीनों टाइम माता तीन बार दिन में संध्या करती, भजन करती, और दो बार यज्ञ करती, और नारद जी के मुखार विंद से उपदेश सुनती। सात महीने में बालक पूरा हो गया उनके गर्भ में। भक्त प्रहलाद ने सात मास की उम्र में अवतार लिया, सात महीने के हुए थे प्रहलाद जी, सतमा से बालक पैदा हो गए। और जैसे ही बालक पैदा हुआ, बाहर आया, उधर हिरण्यकश्यप की साधना, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया, वरदान बोल दे दिया जो उसे मांगना था, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, जल से ना मरूं, आग से ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, और दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, चले गए। आज घर आया, देखा हिरण्यकश्यप को पुत्र पैदा हो गया है, अति आनंद हो गया उसको। एक से दो हो गए दुश्मन के, दुश्मन लड़ने के लिए, बहुत जल्दी मेरे पुत्र को मैं गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजूंगा और उसे दैत्यों का सारी विद्याएं सिखाऊंगा। और वही हुआ, तीन साल के बालक को गुरु दैत्य के यहाँ भेज दिया, शुक्राचार्य जी के आश्रम में। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संड और मर्क, वो गुरु बने और वो पढ़ाने लगे। पर जो पेट में पढ़ के आते हैं फिर वो आडंबरियों से कुछ पढ़ा ही पढ़ते नहीं, पढ़ते माना आडंबरियों से नहीं पढ़ते,